के व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं जिस तरह TKR में दम पोख बनता है। दुबई में एक बहुत सी फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ पे वो लोग मछली बनाते हैं, लेकिन किस तरह बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा छठा दिन है। कल व्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि कल एक्टिविटीज कुछ नहीं थी, आराम कर रहे थे। तो इंशाल्लाह आज आपके साथ शेयर करेंगे कि आज हमारी क्या एक्टिविटीज़ होगी। हम इस वक्त ठहर रहे हैं मरीना दुबई में और यहाँ से अब हम जा रहे हैं लंच के लिए। लंच कहाँ पर करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ आज हमारी होती है, स्टे विद अस। अब हम आपको लेके जा रहे हैं जहाँ पे ये मछली बनता है, तो हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह बनता है। ओके, दिस वे। इनका किचन देख ले, माशाल्लाह बहुत ही साफ सुथरा। और हमारी कोशिश है कि हम इन लोगों से सीखे और इम्प्रूवमेंट लेके आए। ये मछली है और ये मछली ये लेके जाते उधर। Thank you.
खाना खा लिया, बहुत ही बेहतरीन। जिस तरह फर्स्ट टाइम लोग आते हैं TKR और दमपोख खाने के बाद जो उनका एक्सपीरियंस होता है कि ये एक नया चीज़ था और हमें बहुत अच्छा लगा, तो ऑब्वियसली ये भी हमारे लिए एक नई चीज़ थी और बहुत अच्छा लगा हमें। स्पेशली जो टेस्ट था, हाफ हमने उनको कहा था कि स्पाइसी कर ले और हाफ रेगुलर। ये जो फिश था तो ये है इराकी, इस तरह इराकी लोग बनाते हैं और ये इराकियों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन दुबई में है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह कोई यूनिक सी चीज़, अलग सी चीज़ हम पाकिस्तान लेके। क्या ख्याल है आपका वरुण? सो फाइनली हम लोग रेस्टोरेंट से निकल चुके हैं। ताहिर खान को फूड बहुत पसंद आया, खासतन जो फिश बनाया इन लोगों ने इनके लिए। अभी विजन ताहिर खान का ये है कि सेम को इसी तरह कोई अच्छी सी जो वैरायटीज है वो पाकिस्तान लेके आए, तो इसी विजन के साथ वो आए हुए हैं दुबई में। लंच के फौरन बाद इस वक्त पहुँचे हैं मॉल ऑफ एमिरेट्स और यहाँ पे थोड़ा सा काम है। यहाँ पे मेरे साथ मेरे दोस्त आए थे 3 साल पहले, नदीम, इरफान और खलील। तो आई मिस यू गाइस, आप लोगों की याद आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह आई होप कि जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। मैंने नोट किया हुआ है, मेरे तकरीबन 7-8 दिन हो गए, कोई भी बंदा किसी भी मार्केट में विदाउट मास्क नहीं घूम सकता। यहाँ पे माशाल्लाह रूट्स इतने प्यारे हैं और बाकी लोगों ने फॉलो भी किए हैं। अभी मैं एमिरेट्स मॉल में हूँ और मैं आप लोगों को सिर्फ कैमरा रन करता हूँ, आपको एक भी बंदा इस तरह नहीं मिलेगा जिसने मास्क ना पहना हो। शायद वो चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, तो सब ने मास्क पहना हुआ है। तो इसी तरह होता है, लोग फॉलो करते हैं SOPs को और फिर वो लोग जीत भी जाते हैं कोई भी वबा हो, कोई भी बीमारी हो, लेकिन जब आप SOPs को फॉलो करते हैं तो वो बीमारी वहाँ से गायब हो जाती है। मिटक मशीन है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये कहते हैं कि आपकी टेम्परेचर नॉर्मल है तो आप एंटर हो सकते हैं। ये होती टेक्नोलॉजीज, विदाउट थर्मामीटर, विदाउट टचिंग यू आपकी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं।